अब हम अभिनव से, अभिनव का जो हार्ड अर्न गोल्ड मेडल है वो हम आपको दिखाते हैं, और मेरे ख्याल से उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। अभिनव, सब जानना चाहते हैं, पूरा देश देखना चाहेगा उस गोल्ड मेडल को जो आपने जीता। ये देखिए, ये वो गोल्ड मेडल है चैंपियन के हाथ में जिसका इंतजार था हमें 125 साल से। अभिनव, ये गोल्ड मेडल आपका है, आपने जिसको जीता है, कोई फीलिंग आती है? कितनी बार आप इसको छूकर देखते हैं, कितनी बार आप इसको ध्यान से देखते हैं कि ये वो चीज है जो दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती है? Well, इतना भी मैं पोजेसिव नहीं हूँ इसके बारे में। आई मीन इट्स आफ्टर एंड ऑफ द डे ये खाली एक स्पोर्ट है और मैं इसको गेम की तरह खेलता हूँ, सो आई एम नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं इसके ऊपर इतना ऑब्सेसिव नहीं हूँ। आई मीन आई डिड वेल, आई एम टेकिंग इट वेरी कूलली। इतना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इट इज द फर्स्ट टाइम दैट्स हैपेंड। मेरी आई रियली होप कि हमें और गोल्ड मेडल्स जीते हैं और इट डज नॉट बिकम समथिंग विच इज सो यूनिक बिकॉज वी मस्ट विन मोर मेडल्स एंड दैट्स व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अभी हमने 3 मेडल्स जीते हैं, और अगर आप उसको थोड़ा और एनालाइज करें, वो तीनों मेडल विनर्स ये 250 किलोमीटर के रेडियस में हैं। आप देखिए, भिवानी, नजफगढ़ और चंडीगढ़, तो ये जो पूरा एरिया है, 250-300 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें कुछ खास है? कोई इसके इस यहाँ के पानी में कुछ खास है कि यहीं के लोग बार बार जीत रहे हैं? पीना शुरू कर दीजिए, शायद आप भी 2012 में कोई शायद मैं भी आपके साथ चलूं और यहीं आपके साथ मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक एवरीबडी इज हार्ड वर्किंग। आई थिंक हमारे देश में नॉट ओनली इन द नॉर्थ बट इंडियंस इन जनरल आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग।